वेलकम बैक टू द चैनल यू गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो फिर आज हम बहुत ही दिनों बाद एक ऑसम से कारण होम ऑडियो रिलेटेड स्टफ की अनबॉक्सिंग के लिए आए हैं। सो आई प्रेजेंट यू द सोनी ऑसम लुकिंग पेंटागन शेप्ड सबवूफर एंड दिस ऑसम गोल्डन एंड सिल्वर शेडेड 4-channel amplifier from Cave। So, फिर फटाफट से गाइस करते हैं अनबॉक्सिंग। आपको मैं चीजें दिखाता हूँ, आपको जो प्रॉपर वाली अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा ये तो खैर मैंने इनकी आउटर पैकेजिंग हटा दी है पहले ही, लेकिन आपके लिए उसके वीडियोस हैं। So, फिर let's get started. Alright, first up, I got this amplifier from Cave. इसको काफी ठीक ठाक तरीके से पैक किया हुआ है फ्लिपकार्ट ने एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि do not cut here, 456 should be visible। पता नहीं कुछ पैकेजिंग का होगा। So, यहाँ पे जरा से फटाफट से इसको काटा जाए एकदम बढ़िया तरीके से। There we go, पैकेजिंग तो हट गई एंड उसके बाद ही कुछ उन लोगों ने बबल रैप भी किया हुआ। थैंक गॉड, गुड मार्क्स टू फ्लिपकार्ट फॉर द पैकेजिंग, जरा इस बबल रैप को भी हटाया जाए। It took some while to get rid of this bubble wrapping, guys. So, ये है guys, Box Cave's 4-channel, 3-channel, 2-channel amplifier का मतलब basically it's a 4-channel amplifier K604 and अभी अंदर से कुछ ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले मिलेगा एक warranty card जो कि कभी कोई fill नहीं करता, I don't know why। So, ये है guys, इसका कुछ instruction manual kind of thing and यहाँ पे कुछ इसके tech specs लिखे हुए हैं। So, basically ये एक normal सा ही 4-channel amplifier है, nothing fancy, nothing special, but basic कामों के लिए बहुत अच्छा है। Usually it is better than the branded ones and इसके साथ fuses and screws भी extra मिलते हैं, which is nice। ये मैंने कमी सम amplifier boxes के अंदर देखा है actually। So, जरा इसको भी खोला जाए, ये खुलता क्यों नहीं यार, पूरा इसके अंदर फंसा रखा है सब एम्पलीफायर। पता नहीं मैं बाबा सब ऊपर क्यों बोल रहा हूँ यार, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट इट्स एन एम्पलीफायर, इट्स अ 4-channel एम्पलीफायर। अच्छा यहाँ से टेप लगी हुई है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग। काफी गौर संकट करना पड़ जाता है इन चीजों के साथ कभी कभी। सुझा रहे टेप मैंने काट दिया, कुछ ऐसा है एम्पलीफायर का ये हेड नीचे का हिस्सा एंड ये है गाइस इसके ऊपर का हिस्सा। सो जरा मैं इसका ये प्लास्टिक भी हटा दूं, उसके बाद आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ ये एम्पलीफायर। गाइस चेक दिस आउट, काफी मतलब क्लीन कंस्ट्रक्शन है इसके। यहाँ पे टर्मिनल्स आप देख ही सकते हो, फ्यूजेस आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप दिया हुआ तो शायद इसका हीट डिसिपेशन बेटर हो एंड यहाँ पे इसके टर्मिनल्स हैं दूसरे बेसिकली ट्यूनिंग फंक्शन के लिए। सो काफी इसमें कूल चीजें हैं, लेकिन LPF जो है वो एक ही साइड पे अभी मिलता है, तो हमसे तो सब ऊपर चला के भी नहीं चला सकते और वैसे चलाने भी नहीं चाहिए क्योंकि मिक्स एंड मैच रहेगा, वो क्या ही कर सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं गाइस। अब ये है एक बड़ा बॉक्स एंड बड़े बॉक्स के अंदर एक बड़ी चीज़ है जो कि है एक सोनी का सबवूफर पेंटागन शेप वाला। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कुछ डिज़ाइनर से चीज़ लेने की कोशिश कर रहा था, बट जो भी सबवूफर देखो वो सर्कुलर था। तो फिर इस पर मेरे एक्चुअली मेरे फ्रेंड की कार में था ये, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो मैंने एक्चुअली इसको सोचा कि अभी तो बड़ी ही ऑसम सी डील मुझे इसके ऊपर मिली है, सो चलो ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया, दोनों पे मुझे बड़ी ऑसम सी डील गाइस मिली है। तो मैं आपको बताऊं, आई हैव गॉट दिस ऑसम सोनी सबवूफर ओनली फॉर 2500 बक्स एंड केव का एम्पलीफायर 2600 का डील आई हुई थी, मैंने उसी टाइम से ले लिया। सो अब बॉक्स आप यहाँ देख रहे हो, बस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसकी ओरिजिनल टेप नहीं है यहाँ पे। आई होप एवरी थिंग इज ऑल राइट इन साइड इट। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, NW12002 इसका मॉडल नंबर है, पेंटागन शेप वाला ये सबवूफर है एंड जरा इस टेप को मैं फाड़ देता हूँ। बाकी चारों तरफ से हम देख लें, यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन से दे रखे हैं एंड ये लास्ट ईयर मतलब 2018 में इंपोर्ट हुआ है, मैंने 2019 अक्टूबर में इसको परचेज किया है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जरा इसकी टेप फाड़ी जाए। चलो जी, बड़ी मुश्किल ही सही है, बट टेप फट गई। अब देखते हैं इसके अंदर का नज़ारा कैसा है। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। सबसे पहले गाइस हमें ग्रीट किया है वारंटी कार्ड ने एंड जिसमें एक ब्लंडर है, इट्स ओनली वैलिड अप टू फेब्रुअरी। मतलब जो भी है इन लोगों ने प्राइस घटाया, इसका मतलब वारंटी नहीं दी। डैम, चलो कोई नहीं, इसको तरीके से चलाएंगे तो सब स्पीकर्स यूजुअली ऐसे खराब होते नहीं है। आई होप जिंदा हो, को उसकी कोई टेंशन नहीं है, 10 days का रिटर्न है मेरे पास, सो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। तो जरा इसको रखते हैं साइड में एंड ये मिलता है गाइस इसका एक साथ एक मैनुअल काइंड ऑफ थिंग, जिसके अंदर हमें एक स्पीकर का पूरा कटआउट बनाने के लिए भी दे रखा है, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब जरा बॉक्स खोलते हैं, काफ़ी अच्छी रैपिंग सी हो रखी है। सो इसको उठा के बाहर निकाला जाए, प्रिटी हैवी उसको बाहर रखा है एंड अब देखें और कुछ है क्या बॉक्स में। काफ़ी मोटा गत्ता इन लोगों ने यूज़ किया इसके सपोर्ट के लिए, विच इज़ नाइस, पर अंदर और कुछ नहीं है।
चलो इस बॉक्स को रखा जाए साइड में, स्पीकर को, सब ऊपर को देखते हैं ध्यान से। सो इसका पैकेजिंग मैं ज़रा हटा दूँ। काफ़ी अच्छा पैक है, मतलब ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यूजुअली जो प्लास्टिक थिन वाला यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे सम स्क्रूज भी हैं विच इज़ नाइस थिंग, साइड में रखते हैं इसे। एंड मैं बता रहा हूँ जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी हल्का यूज़ करता है, मैंने उन्होंने काफ़ी मोटा यूज़ किया है यहाँ पे। एंड डबल मैगनेट है इसके अंदर विच इज़ नाइस। एंड यहाँ पे लिखा है स्पीक पावर 1800 वाट, आरएमएस पावर 420 एंड रेटेड पावर 300। इसका क्या चक्कर है गाइस? मुझे आरएमएस पावर और रेटेड पावर का डिफरेंस बताना, वैसे मुझे लगता है दोनों सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। घोर संकट है दुनिया में यार, क्या करें। वाओ, पेंटागन शेप का सोनी एक्सप्लॉट 1800 वाट इज आउट, एंड कोन एंड रबर सराउंड की एक्चुअली क्वालिटी इज जस्ट वेरी वेरी गुड। आई होप इस साउंड भी उतने अच्छा करे। इंक्लोजर इसके लिए ऑब्वियसली बात है कस्टम ही डिज़ाइन होगा, क्या होता है आई डोंट नो, वो आपको बताऊंगा शायद इसी वीडियो में, शायद किसी और वीडियो में। बिल्ड काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। एंड यहाँ पे आप इसके टेंसा लीड का जाने का तरीका देखो, काफ़ी डिफरेंट सा बीच में कुछ बनाया हुआ है, स्पाइडर भी काफ़ी बड़ा सा है। एंड यहाँ पे वेंट्स हैं एक्चुअली कॉयल को कूल रखने के लिए, विच इज एक्चुअली नाइस। तो चलो, unboxing has been done. Yo, so guys, how do you like the unboxing experience of these two awesome devices? Please do let me know कि Sony का awesome की quality क्या है। किसी ने भी अगर use किया हो Sony का Pentagon Shape का, इसका exact model यहाँ लिखा हुआ है NW12002. So इसका exact model ये है, and this is actually 400 watts RMS rated, and this is my awesome looking cave 604 channel amplifier, but this is all it's a 4 channel amplifier, so it can barely do 200 to 250 watts RMS on the bridged 3rd and 4th channel bridged mode pe. So I don't know ki wo iske liye enough bhi rahega ki nahi, agar nahi rahega to uske baad fir hum kuch aur improvise karenge. And ye guys main cheeze use karne wala hu apne ghar pe, apne room pe, so these two are not gonna go inside any car. So bahut hi awesome sa, bahut hi modern, ekdam mast dikhne wala enclosure inke liye design hone wala hai. So are you guys ready for that? So friends, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनकी टेस्टिंग, बिना टेस्टिंग करे कैसे पता चलेगा कि जिंदा भी है कि नहीं, है कि नहीं? सो अनबॉक्सिंग हमने आज कर ली, इसका नेक्स्ट वीडियो 100% यही है कि इनकी होने वाली है टेस्टिंग। सो प्लीज़ बी देयर। एंड गाइस, खाली सबवूफर थोड़ी लगने वाला है रूम में, दोज ऑसम लुकिंग वोल्टेक्स 619 भी वहाँ पर लगने वाले हैं, तो प्रॉपर एक सेट बनेगा। एंड क्या इंक्लूसिव डिज़ाइन इस बारी में करने वाला हूँ फॉर दोज 619 एंड दिस सोनी के लिए। तो एक्चुअली प्लान आउट मैं कर रहा था कि ट्रांसमिशन लाइन सब वो इंक्लोजर मतलब बना दूं, बट वो कब होता है ये पता नहीं, सब पहले हम 6x9 के लिए बनाएंगे, हम इसका भी इंतजाम करेंगे, एंड उसके बाद सब वूफर इज एक्चुअली द सेकेंडरी थिंग राइट नाउ। सो इन एनी केस, अब वीडियो को अननेसेसरी लॉन्ग करने का कुछ फायदा नहीं है, सो अब मिलेंगे हम गाइस इनकी टेस्टिंग वीडियो में। तो चलते ही रहते हैं, एंड ट्रैवल व्लॉग्स भी अब स्टार्ट हो चुके हैं, एंड कार एंड होम ऑडियो पे तो रहते ही, एंड कार्स एंड बाइक्स रिलेटेड भी गाइस बहुत कुछ है चैनल पे। सो प्लीज डू चेक आउट एंड गिव मी अ लिटिल बिट सपोर्ट, एंड प्लीज डू शेयर चैनल गाइस व्हेरेवर यू कैन, इट रियली हेल्प्स मी आउट कि अगर एक भी सब्सक्राइबर ऐड ऑन होता है चैनल पे तो मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर गाइस हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी या, एंड हैव सुपर फन।